बच्चों, नाउ आफ्टर डिस्कसिंग द फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब जहां पे आपका एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो ए गिव्स बी प्लस सी, देन इट इज नोन एज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ वी कैन राइट द डेफिनेशन, दोज केमिकल रिएक्शंस, आप साथ साथ नोट कर सकते हैं इसे, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन, अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इंटू टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, देन इट इज नोन एज, then it is कह सकते हैं, then the reactions are known as decomposition reactions in which a single substance breaks down into two or more than two products or more than two substances, then the reactions are known as decomposition reaction. यानी कि एक single reactant है और decompose किसके अंदर हो रहा है? दो या दो से ज़्यादा products के अंदर, ठीक है? Now let's take the example. Firstly हम decomposition reactions के भी types पढ़ते हैं. There are three types of decomposition reaction. यहाँ पे आपने जो डेफिनेशन लिखी है, हमने जो भी डेफिनेशन लिखी है उसके अंदर एक पॉइंट और ऐड करना, हम जो उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहा है, इट ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी एंड वी आर प्रोवाइडिंग द एनर्जी वेदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसी बेसिस पे, ऑन दिस बेसिस ओनली, वी डिवाइड डीकंपोजिशन रिएक्शन इन टू थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज थर्मोलिटिक, सेकेंड इज इलेक्ट्रोलिटिक एंड द थर्ड वन इज फोटोलिटिक। ठीक है, थर्मोलिटिक या थर्मल डीकॉम्पोजिशन भी कहते हैं इसको अपन। थर्मल डीकॉम्पोजिशन यानी कि हीट की प्रेजेंस में, दिस इज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लाइट, फोटो मतलब सनलाइट। ठीक है, सो दीज आर द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी अगर हीट के प्रेजेंस में कर रहे हैं देन थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहा है तो इलेक्ट्रोलिटिक, और सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो फोटोलिटिक। ठीक है, सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप इसे डिफाइन कर सकते हैं थर्मल को, कि दोस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट इनटू इट्स प्रोडक्ट्स एंड इट इज नोन एज डिकम्पोजिशन, दिस इज नोन एज थर्मोलिटिक या थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चा, सो हम फर्स्ट ले रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर द फर्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन
रिएक्शन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ पैरा सल्फेट क्रिस्टल्स। योर फर्स्ट एग्जाम्पल इज डिकम्पोजिशन ऑफ पैरा सल्फेट क्रिस्टल्स। अब हमें इसमें काफी चीजें समझने की है पैरा सल्फेट क्रिस्टल्स के अंदर। देखो बच्चा, FeSO4.7H2O, यहाँ पे आपका जो ये कंपाउंड बन के आ रहा है इसका नाम है, अगर अपन इसका जनरल नाम दें तो इट इज नोन एज ग्रीन विट्रियोल। इट्स नेम इज ग्रीन विट्रियोल। दे आर ग्रीन कलर्ड क्रिस्टल्स। पहले हम इसी को समझ लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसका डिकम्पोजिशन समझेंगे। फेरस सल्फेट डॉट, यहाँ पे आपने जो डॉट लगाया है यहाँ पे आप एक बार ध्यान से देखिएगा कि आपके पास कोई भी कंपाउंड है, हमने कॉपर सल्फेट लिया या हमने FeSO4 लिया या हमने Al2O3 लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया, हमने कोई भी कंपाउंड लिया, ठीक है, या हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, हम कोई भी कंपाउंड लिया, तो अभी ये सिर्फ कंपाउंड के फॉर्म में, सिर्फ सॉल्ट है जो सॉलिड स्टेट के अंदर है, है ना, सॉलिड स्टेट में ध्यान रखना। अब अगर हमने यहाँ पे एक्वस लगा दिया, एक्वस लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये आपका सॉलिड सब्सटेंस में, जो सॉलिड स्टेट में कंपाउंड है वो वाटर में डिसॉल्व हो गया, घुल गया और इसने कलर्ड लिक्विड बना लिया। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सोल्यूशन बनाएगा, पैरा सल्फेट ग्रीन कलर का बनाएगा, ठीक है, ये कलरलेस है, ये कलरलेस है, ये एक्वस फॉर्म भी हो गया। एक्वस फॉर्म का मतलब हुआ लिक्विड स्टेट, है ना। अब हमने क्या किया, ये मैंने आपको दो कंडीशन बताई, दो कंडीशन कब बताई, जब या तो ये सिर्फ सॉलिड स्टेट के अंदर है, दूसरी कंडीशन जब हम ये एक्वस स्टेट के अंदर यानी कि वाटर में डिसॉल्व है। तीसरी कंडीशन हम क्या ले रहे हैं, जब ये है तो सॉलिड स्टेट में ही, अभी भी ये सॉलिड स्टेट के अंदर है लेकिन क्रिस्टल फॉर्म में है, पर पता चल रहा है क्रिस्टल में, जैसे कि चीनी होती है शुगर, शुगर एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है और एक बूरा हमने लिया, है ना, वो बूरा किस फॉर्म के अंदर है, पाउडर्ड फॉर्म में है। एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक होता है पाउडर्ड फॉर्म, जहाँ पे एक डेफिनेट पैटर्न होता है उसे अपन क्रिस्टल्स कहते हैं, जहाँ पे आपके जो शेप्स होती हैं वो फाइन होती हैं, ठीक है, इस तरह से, जैसे कि मान लो ये क्रिस्टल्स क्रिस्टल के फॉर्म में है, एक पर्टिकुलर शेप है, राइट, पर्टिकुलर एंगल है इनके बीच के अंदर, तो ये क्रिस्टल कहलाएगा, ठीक है। और अगर ये एकदम पाउडर, जैसे कि मिट्टी हुई, पाउडर फॉर्म में, तो वो क्या कहलाएगा, वो पाउडर्ड फॉर्म कहलाएगा, अमॉर्फस फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। दो फॉर्म के अंदर आपके सॉलिड मिलते हैं, मेनली दो फॉर्म के अंदर मिलते हैं, टू फॉर्म्स के अंदर, एक होता है आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे आपका जो सॉलिड है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में है। एक होता है आपका अमॉर्फस फॉर्म। अमॉर्फस का मतलब होता है जो हेपजार्ड फॉर्म में है, कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है, ठीक है, यानी कि वो किस फॉर्म में, पाउडर्ड फॉर्म में है। तो अभी जब हमने यहाँ कुछ नहीं लगाया तो पाउडर्ड फॉर्म के अंदर है। अब हमने क्या किया, ये जो कॉपर सल्फेट होता है ये क्रिस्टल फॉर्म में जब प्रेजेंट होता है तो कुछ अमाउंट का जो वाटर है ये इसके साथ में अटैच्ड होता है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है 5H2O, यानी कि कॉपर सल्फेट के एक मॉलिक्यूल के साथ, विद अ वन मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच्ड फिजिकली, बेटा फिजिकली नॉट केमिकली। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, कॉपर सल्फेट की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी, सिर्फ इसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज होगा, किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये वाटर के मॉलिक्यूल की वजह से एक तो ये किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, और दूसरा क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि किस में आ जाएगा, ब्लू क्रिस्टल्स के फॉर्म में होगा, और अगर इसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं है तो ये व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होगा, ध्यान रखना, ठीक है। कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, Al2O3, सोडियम कार्बोनेट, ये सब किस फॉर्म के अंदर रहेंगे, दीज आर इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाइट पाउडर्ड फॉर्म, अगर इनके अंदर वाटर नहीं है, अगर ये एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर है, पर अगर यहाँ पे वाटर अटैच्ड है तो ये ब्लू क्रिस्टल्स के फॉर्म में आया। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया 7H2O, यहाँ पे आपका लगाया 2H2O और यहाँ पे आपका लगा 10H2O, यानी कि हर एक कंपाउंड के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हो रहे हैं उनका नंबर अलग अलग है, सो
these water molecules due to which a compound get its crystalline form and color are known as water of crystallization. उन्हें हम क्या कहते हैं? Water of crystallization. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपके, आप यहाँ देखना. Water of crystallization. Water of crystallization का मतलब क्या हुआ? इसके हम डेफिनेशन लेते हैं. द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ठीक है, द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच प्रोवाइड कलर एंड क्रिस्टलाइन टेक्सचर टू अ कंपाउंड. द फिक्स नंबर ऑफ, यहाँ पे अपन इसको सेपरेट कर देते हैं इस फॉर्म के अंदर. द फिक्स नंबर ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल्स विच प्रोवाइड कलर एंड क्रिस्टलाइन टेक्सचर टू अ कंपाउंड, देन दे आर नोन एज वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. उसे हम क्या कहेंगे? वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका इन सब के अंदर जो आपके कलर आ रहा है, यानी कि कॉपर सल्फेट ब्लू क्रिस्टल, आयरन सल्फेट आएगा आपका ग्रीन क्रिस्टल, इसका नाम है ये ग्रीन क्रिस्टल के फॉर्म में, इसका नाम है कॉपर सल्फेट का नाम है ब्लू विट्रियोल. ठीक है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये कलर, और ये सोडियम कार्बोनेट, ये आप सेकेंड चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा. ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जो वॉटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है. These are the examples of water of crystallization. यानी अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर कलर है और क्रिस्टल फॉर्म है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से है? Due to the presence of water of crystallization, right?